अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। जाहिर है सियासी मंजरनामे पर आप देख रहे हैं कि अपोजिशन की जो तहरीक है, जिसका जो एक फोरम है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, गुज़िश्ता रोज़ उसका तीसरा जलसा भी हुआ है। ये तीसरा जलसा क्वेटा में हुआ और इसका रद्द अमल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ हुकूमती वज़रा की जानिब से भी आया। कल तो हमने ये भी देखा कि वफाकी वज़ीर इत्तला तो नशरियात शिबली फराज़ साहब ने भी इस पर अपना रद्द अमल दिया। आज तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब ने भी एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपनी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश कर लें तो गुज़िश्ता रोज़ जो जलसा हुआ, बहरहाल एक बड़ा क्राउड देखने में आया। वहाँ पर मौजूद जो हमारे रिपोर्टर्स थे उनका यही कहना था कि अगर हम इसको कंपेयर करें गुजरांवाला को और इसके बाद कराची में होने वाले पीडीएम के जलसे को और उसके बाद क्वेटा के जलसे को, तो हम ये नहीं कह सकते कि क्राउड बड़ी तादाद में नहीं था, बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन थी उसमें। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के कायदीन थे उन्होंने तकारीर भी की, मुकर्रीन की तरफ से जाहिर है हुकूमत को तनकीद का निशाना तो बनाया गया, लेकिन असली निशाना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही हमें नज़र आई। ख्वाह वो वीडियो लिंक के थ्रू नवाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया हो, मरियम नवाज साहिबा ने किया हो जो वहाँ मौजूद थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने किया हो, इसके अलावा जो दीगर मुकर्रीन थे जिसमें सरदार अख्तर मैंगल साहब थे, उवैस नूरानी साहब थे, इन सब लोगों ने अपनी तकरीर में मौजूदा हुकूमत के तर्ज़ हुकुमरानी को तो बुरा कहा ही, लेकिन साथ साथ ये कहते ना चूके कि जो उनको लाए हैं वो इससे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। हम ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गिलगित बल्तिस्तान से, जहाँ पे वो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं पीपल्स पार्टी की, वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने इस जलसे से ख़िताब भी किया और उन्होंने ये कहना था कि तमाम जमहूरी पार्टी एक स्टेज पर नहीं बल्कि एक पेज पर हैं। और साथ ही उनका ये कहना था कि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के इस इत्तेहाद से अलग हो जाएगी, उनको हम ये पैगाम दे रहे हैं। लेकिन आज भी हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब की जानिब से भी ये बयान आया कि ऑपोजिशन जो है वो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार है, बहुत जल्द पीपल्स पार्टी से अलग हो जाएगी। लियाकत शहवानी साहब ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका ये कहना था कि कोई भी बलूचिस्तान हुकूमत, बलूचिस्तान के सूबे के लिए कोई एक जो आइंदा का लाहे अमल होता है, महरूमियों को ख़त्म करने की बात की जाती है, कोई इकोनॉमिक प्लान होता है, कोई रोड मैप होता है, इनमें से किसी ने नहीं दिया। और मौलाना फजल रहमान साहब के लिए उनका ये कहना था कि वो इलेक्शन हारने का गुस्सा बलूचिस्तान में आकर उतार रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि शिबली फराज साहब ने भी कल से ये कहना शुरू कर दिया और हुकूमती वज़रा की जानिब से ये बारहा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो ये इत्तेहाद है ये मुल्क दुश्मन अनासिर की बयानिए की तायीद करता है। आज इसी हवाले से मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि क्या वाकई पीडीएम का बयानिया मुल्क दुश्मन अनासिर की तायीद कर रहा है, क्योंकि कल इसी प्लेटफॉर्म से आज़ाद बलोचिस्तान रियासत के हवाले से उवैस नूरानी साहब ने अपने खिताब में कहा, जिसके बाद उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी ज़रूर कि जोश खिताब में भी हुआ, कुछ सियाक व सबाक से हट कर किया, तंजिया सवाल और तंजिया स्टेटमेंट को अगर ये नहीं समझ सकते तो फिर क्या समझेंगे। बहरहाल अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, कौमी असम्बली के मेम्बर हैं अली गौहर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, एडवोकेट अताउल्ला खटक साहब कौमी असम्बली के मेम्बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से तशरीफ़ फरमा, और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब भी इस गुफ्तगू का हिस्सा हैं, आपका भी बेहद शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं लियाकत शहवानी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, ये फरमाइएगा कि ऑल दी डिफरेंसेस असाइड, जाहिर है कि एक हुकूमती अलायंस का भी एक अलग बयान होता है, क्या वाकई आपको लगता है कि क्वेटा जलसे में इस हद तक अवाम की पार्टिसिपेशन नहीं थी जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए ये जलसा जो है तीन डेट के चेंज हुए, दो दफा अखर किया गया, और जाहिर है कि पीडीएम की जो क्यादत है उन्होंने उजलत में क्वेटा में ये जलसा रखा और उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं थी, अनप्रिपेयर्ड थे, और फिर आगे टाइम बाय करते हुए उन्होंने डेट्स चेंज किए। तो ये कोई छोटा जलसा भी नहीं, दरमियाना जलसा जरूर था। ओके, और राइट लियाकत साहब हमारे साथ रहेगा, अभी तो मैं इनिशियल रिएक्शन आपका देख रही थी बलोचिस्तान के जलसे के हवाले से, क्योंकि एक क्राउड एक कहीं ना कहीं से ये मैटर जरूर करता है कि जितना बड़ा क्राउड उतना कहते हैं कि कामयाब जलसा है। अब आ जाते हैं जरा अली गौर साहब मतन की तरफ, मुस्तकिल जिस हिसाब से सवाल उठाए जा रहे हैं और खसूसन आपकी लीडरशिप नाम ले लेकर
जो हमारे अफवाज पाकिस्तान के सरबरा हैं, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, चाहे वो DGISI हो, उनका नाम लेकर सवाल करते हैं। ठीक है, आप लोगों की जो भी रंजिश हो, आप जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हों, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस पूरी तकरीर के मतन में कहीं भी आप लोगों ने बलूचिस्तान में होने वाले जो अभी रिसेंटली और मारा में जो हुआ, ना उसका ज़िक्र किया, ना आपने हिंदुस्तान का ज़िक्र किया, ना मोदी सरकार का ज़िक्र किया कि बलूचिस्तान में इनकी जो अमल दखल है उसकी एक तारीख़ है, उसके शवाहिद मौजूद हैं, तो सवाल इनसे भी तो उठाते ना। देखें, जहाँ तक आपने बात की कि इस इशू के अलावा मरियम नवाज़ साहबा ने बात नहीं की, तो मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करूँगा कि उधर एक मेरे सामने एक बच्ची आई थी जो कि रो रो के मरियम नवाज़ साहबा से बात कर रही थी, और जब उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की तो वो उसको उसके स्टार्ट में ही उस बच्ची का सारा वाक्या बताया कि उसके 3 जवान भाई जो हैं वो मिसिंग हैं और वो मिल नहीं रहे और वो अरसा दराज से परेशान हैं और कोई उनकी सुनवाई नहीं करता। तो जाहिर है ये काम तो एजेंसीज का है कि वो इस बच्ची की और इन घरानों की जो मिसिंग पर उनकी सुनवाई करें, उनका उनको यह बताएं कि वो लोग किधर गए, या उनको ढूंढ के लाएं, या उनके जिम्मेदारों को सामने लेकर आएं। और इसमें से मिसिंग पर्सन वाले इशू में से बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं जो कि हमारी अपनी एजेंसी की तरफ भी लोग उंगलियां उठाते हैं, वे कोई ढकी छुपी हुई बातें तो नहीं है। हम अपने मुल्क के मसाइल का अगर खुल के इजहार नहीं करेंगे तो कब करें? मुझे एक बात नहीं, अलीगढ़ साहब बिल्कुल देखें, कोई नहीं आपसे कह रहा कि मिसिंग पर्सन का जिक्र ना करें, करें, लापता अफराद के वाले से बात करें। मेरा सवाल ये है कि बलूचिस्तान में आप मौजूद हैं, which has been that place जहाँ पर भारत has always been involved, वहाँ पर इंतशार के लिए, you know, separatist movement चलाने के लिए, फिर जो अभी अटैक हुआ और मारा का, कहीं तो जिक्र होता, कहीं तो आप लोग ये भी कहते ना, आप ये भी कहें लेकिन साथ में ये भी तो कहें कि भारत अपनी आंखें यहाँ पर जमाए बैठा है बलूचिस्तान पर। देखें, मैं आपसे से इस बात की वजाहत करूंगा, अभी मैं अपनी पार्टी मीटिंग से भी आ रहा हूं, उधर भी ये टॉपिक डिस्कस हुआ। गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वो इदारों के खिलाफ है। देखें, हम इदारों के खिलाफ नहीं, अब हमने बिल्कुल क्लियर कट वो मौकफ इख्तियार किया है कि इदारों में बैठे हुए जो जो लोग इन इदारों की तबाही और बर्बादी का मुझे बन रहे हैं, हम उनका नाम ले रहे हैं। देखे, तो आप इदारों में डिवीजन चाहते हैं? ये तो इदारों में डिवीजन नहीं चाहते, अगर इदारों में डिवीजन नहीं चाहते, बड़े खोलकर आप कहते हैं कि इनके लीडरान के नाम लेकर कहते हैं कि इनकी ना सुनना। नहीं, लीडरान के नहीं, लीडरान के नहीं, चंद लोग जो ये खेल खेलते हैं। अवाम अब इस खेल से तंग आ चुके हैं। देखें, सबसे हमारा नारा है वोट को इज्जत दो। बात यह है कि आपने 2018 के इलेक्शन रिक किए, ना सिर्फ मौजूदा जो इस वक्त लोग बैठे हुए हैं अहम मुद्दों पर उन्होंने किरदार अदा किया, जो लोग रिटायर हो गए उन्होंने भी किरदार अदा किया, तो एक वोट का हक था वो भी आपने छीन लिया, हम क्यों ना बोलें? अच्छा ठीक है, बोले, बोले, जो बोले, जो सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ हम बोलेंगे। जरा एडवोकेट अताउल्लाह खट्टक साहब को भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स देने दीजिए। मैं आखिर में एक गुजारिश छोटी सी करूंगा। देखिए, हमारा मौजूदा हुकूमत बिल्कुल हमारा इनके साथ ये जो मर्जी इन बेचारों की ड्यूटी सिर्फ हमें गालियां देने पे लगाई गई है, लेकिन ये इस पूरे निजाम का एक छोटा सा जोज है, ये कुल नहीं है। कुल वो हैं जो लोग धौंस और धांधली के जरिए इनको लेकर आए हैं, लिहाजा इनकी गालियां हमें फूल की तरह लगती हैं, क्योंकि ये असल फ्रीक नहीं है। और कुल को आप गालियां दे रहे हैं, सिलेक्शन के जरिए इनकी गालियां फूल लगती हैं और कुल को गालियां आप दे रहे हैं? नहीं नहीं, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम अपना बयानिया बता रहे हैं, हम अपना मौकफ बता रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान के अवाम का मौकफ है। अच्छा, कि ये जो यकतरफा एहतसाब बंद किया जाए, यकतरफा एहतसाब बंद किया जाए, इलेक्शन रिक करने बंद किए जाए, वोट को इज्जत दी जाए और वही नुमाइंदा हुकूमतें ओके सर, ये आपके नारे का लग चुके हैं ना, यहाँ थोड़ी लगने हैं, यहाँ तो जरा बात तो करने दीजिए ना। एडवोकेट अताउल्लाह खट्टक साहब, आपकी हुकूमत के जो ये एक बयानिया है जो बार बार आप लोग कहते हैं कि PDM मुल्क दुश्मन अनासर की ताईद कर रहा है, और शिबली फराज साहब ने भी कहा कि इसराइल भारत PDM एक तिकोन के 3 रुख हैं, बड़ा संगीन इल्जाम आयद कर रहे हैं। ठीक है, सियासत में आप मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन क्या ये सही है कि गद्दारी तक के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए जाएं ऑपोजिशन जमातों को?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नादिया। एक तो सबसे पहले ये है कि अपोजिशन को हक है हुकूमत पर तनकीद करने का, जलसा जुलूस करने का, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं कि इनका बयानिया जो है वो बिरूनी एजेंडे पर मुश्तमिल है। वो इसलिए कह रहे हैं कि जब इनका कराची में जलसा हुआ तो उन्होंने कराची के किसी सिंगल मसले पे बात नहीं की, उन्हें कराची के लिए कोई प्लान नहीं दिया। 2018 तक इनकी हुकूमत रही, 2008 से मुसलसल 10 साल पीपल्स पार्टी के, पहले 5 साल और फिर नून लीग की 5 साल। आप बताएं कि कौन है इन्होंने कराची को मेगा प्रोजेक्ट्स दिए। फिर उसके बाद ये कोटा चले गए बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में आप ये देख लें, कराची को कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स दिए आप ये कह रहे हैं? मैंने कहा नहीं दिए ना भाई। तो ग्रीन लाइन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बना दिया? वो आपने तो बस तक चलाई, स्टार्ट लिया, कंप्लीट भी नहीं किया। आखिर स्टार्ट लिया हुआ तो नहीं? देखिए मेट्रो लाहौर में बन गया, मुल्तान में बन गया, इधर कहीं और बन गए, तो कराची में भी इसी तरह ट्रांसपोर्ट का आपको पता है कि बड़ा इशू है। अच्छा फिर बलूचिस्तान ये चले गए। बलूचिस्तान में जो हिंदुस्तान का एक मौकफ रहा है और वो इसी पे जोर भी दे रहा है, और उनके लिए उनके सारे लोग कह रहे हैं कि आजाद बलूचिस्तान, वो इस नौरानी साहब ने वो नारा भी लगा दिया। आप मुझे बताएं कि जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो ये कोई हुकूमत पाकिस्तान की बात तो नहीं है, ये तो रियासत पाकिस्तान का मसला है। बिल्कुल ठीक। बलूचिस्तान जो है रियासत पाकिस्तान का मसला है, उसकी बका का मसला है, तो आप उन दोनों पे वो बात करते हैं जो पाकिस्तान का दुश्मन करता है। अच्छा दूसरा देखे, अगर इनको महंगाई पे इशू है या किसी और चीज पे है, आप ये देखे कि आज ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन 2018 आपने रेक किया और जो लाने वाले हैं उनकी गलती है। मुझे बताएं IGI का बनना और हर इलेक्शन में जो जीतता है वो कहता है कि बिल्कुल ठीक इलेक्शन, जो हारता है वो कहता है कि आरोज इलेक्शन थे और इलेक्शन जो है वो चोरी किए गए और ये मुकदमात, ये सारी चीजें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मिसिंग पर्सन की बात हुई तो मुझे ये बताएं कि ये ऑपरेशन जो है कब से स्टार्ट है और कब तक हुआ? ये क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आज PTI की हुकूमत में ये हुआ? इश्यूज हैं, हमें भी पता है कि इश्यूज हैं, आपने हल करने हैं, लेकिन आप इश्यूज को इस तरह हल करें कि दुश्मन ममालिक जो हैं, जो बिरूनी एजेंडे पे काम हो रहा है, कम अज कम उसको तकवीयत तो ना मिले। ठीक है, तो बयानिए से तकवीयत मिल रही है लेकिन आलायकार तो नहीं है ना ये लोग। आलायकार देखे ना, आपके बलूचिस्तान में उस इसी हफ्ते में 20 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और उसी पे आप ये, उनका नारा भी यही है और इनका नारा भी यही है, तो आप इससे क्या मतलब लेंगे? ये तो आलायकार तो बन रहे हैं। कश्मीर पे हर जगह ये डंडूरा पीट रहे हैं, जी कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीर का सौदा हो गया। यू थिंक ओवैस नूरानी साहब, जिन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी, ही रियली मेंट इट, वो चाहते हैं, उन्होंने जो कहा वो ही स्टैंड्स बाय इट, आपको ये लगता है? देखे ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये सिर्फ आप ये अंदाजा लगा ले कि ये कहते हैं कि जो इन इदारों में लोग बैठे हुए जिनकी वजह से नुकसान हुआ, आप अगर आर्मी चीफ का नाम लेंगे, ISI चीफ का नाम लेंगे और उनको टारगेट करेंगे, तो क्या इदारा जो है वो लातालुक रह सकता है? नहीं, क्या हुकूमत पाकिस्तान लातालुक रह सकता है? वो खुद तो डिफेंड खुद को नहीं करेंगे। सही। पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों को देखे हुकूमत पे जरूर तनकीद करें, जलसे करें, जुलूस करें, सब कुछ करें, लेकिन कभी ये बात तो नहीं करते कि महंगाई है। ये तो जाके वहां पे आर्मी को टारगेट करते हैं, इदारों को टारगेट करते हैं, कभी आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाते हैं। आजाद बलूचिस्तान का हवाला जो आपने दिया है, जाहिर है इस पर मैं बात करूंगी लियाकत शेवानी साहब से भी, क्योंकि उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये जिक्र किया पैकेजेस की, CPEC के हवाले से भी उन्होंने बड़ी बातें की कि असल काम जो है वो मौजूदा हुकूमत कर रही है बलूचिस्तान में, जबकि पिछले दौरे हुकूमत में जो कि नून लीग थी उसमें किसी को नहीं पता होता था, और बल्कि ये भी इनके अपने अल्फाज थे लियाकत साहब के कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो अपने सिरहाने ये फाइल रखते हैं, यानी किसी को भी CPEC के हवाले से कोई इल्म नहीं है। क्या वाकई बलूचिस्तान के हालात अब इम्प्रूव हो रहे हैं मौजूदा हुकूमत में? क्या वाकई इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पहले कभी किसी ने नहीं किए थे? फिर उस पैकेज का क्या हुआ जो कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में अनाउंस किया था, और CPEC में जो 9% रखा गया था बलूचिस्तान के हवाले से, उस पर क्या काम अब शुरू हुआ है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और इन सब बातों पर डिस्कस करते हैं। कौमी असेंबली की मेंबर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कौमी असेंबली के मेंबर अली गौहर साहब और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शेवानी साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह
साहब भी हमारे साथ इस वक्त शरीक गुफ्तगू होने वाले हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से। मैं ये पूछना चाहूँगी शिवानी साहब, ये जो बात है, क्या आप ही यकीन रखते हैं इस बात को कि जो आज़ाद रियासत बलोचिस्तान का नारा लग गया और उन्होंने बाद में इसकी क्लैरिफिकेशन भी दे दी, वाकई ये इनका मकसद नहीं था? मकसद जो इनका है वो बड़ा आया है, वो कहते हैं कि सियासत में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अमल दखल से ये कहते हैं कि अब निजात होनी चाहिए। देखिए, उन्होंने बात भी खुद की, उसकी क्लैरिफिकेशन भी खुद उन्होंने दे दी है, और बाकी फिर जो उसके इंट्रिकेसीज हैं, टेक्निकलिटीज हैं, वो फिर जो लॉज ऑफ द लैंड है वो उसको देखेंगे, वो उसको देखेंगे। लेकिन क्या लियाकत बलोच साहब, आप ये समझते हैं कि वाकई ये एक बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई इस तरह के स्टेटमेंट तो नहीं देता, लेकिन जो परसेप्शन है इस वक्त वो इसी तरह है, लेकिन ज्यादा इस पर मैं कमेंट नहीं करना। अच्छा शिवानी साहब, एक आखिरी इसका जवाब दीजिएगा ना, हर मुकर्ररीन ने, आपने देखा होगा कि हर वक्त लापता अफराद के हवाले से जिक्र किया, मरियम नवाज साहब से तो वो खवातीन भी मिली, उस पे बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है? देखिए, ये तो हमारे होम मिनिस्टर अजय लांगर साहब, वो लापता अफराद का जो यहाँ पर कैंप है, वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस, उनके साथ जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए हैं, काफी लोग जो लापता थे वो बाजियाब भी हुए हैं, और उनके जो ट्विटर अकाउंट है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन का, जो जो लोग बाजियाब होते हैं उसका अपडेट भी साथ साथ दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ हैं मुफ्ती किफायतुल्ला साहब और एडवोकेट अताउल्ला खटक साहब और अली गौड़ साहब। मुफ्ती साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है माशाल्लाह। मुफ्ती साहब, कल के जलसे के बाद हुकूमत की तरफ से बारहा ये कहा जा रहा है, वो जो उवैस नूरानी साहब ने आज़ाद बलूचिस्तान रियासत के हवाले से जुमला कहा, बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी हुकूमत की तरफ से, फिर भी ये कहते हैं कि जो जो बैरूनी कुव्वतों का जो बयानिया है ये उसी का एक, आप कह लीजिए कि एक यू नो शाखसाना है। मोहतरमा, आपको अंदाजा तो है कि जब किसी आदमी के पाँव के नीचे जमीन खिंच रही होती है तो फिर कोई डावाडोल बातें तो करता है। उवैस नूरानी साहब का मामला ये है कि उन्होंने जो बात की वो उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है। ये एक अरबी का एक कायदा है जिसको कहते हैं सबकत लिसानी। सबकत लिसानी का माना ये है कि आप कोई लफ्ज़ कहना चाहते हैं लेकिन आपके मुंह पे कोई और लफ्ज़ आ गया। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र एक खतीब कर रहा था तो अचानक उसके मुँह से इबलीस निकला। अब जाहिर है तो वो तो इबलीस को हजरत इदरीस की जगह तो नहीं लाना चाहता, तो ये सबकत लिसानी है। अब कोई आदमी सबकत लिसानी को पकड़े और उससे कोई मौकफ अखज करे तो बदनीयती बोलने वाले की कम और अखज करने वाले की ज्यादा होती है। आप कहते हैं कि कोई मुकर्रर की जबान नहीं फिसलेगी, कोई आदमी गलत नहीं होगा, इंसान है, गलती तो होती है। अच्छा। जब वो ये कहता है, जब ये कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा और सियाक व सवाक से हटकर उसको समझा गया तो फिर उसकी वजाहत को मान लेना चाहिए। अब उस सबकत लिसानी को बुनियाद बनाकर अपोजिशन को मोमेंट को गैर जमहूरी कहना ये और मुल्क दुश्मन कहना ये समझ नहीं आती। अगर हम आपसे कहते हैं कि आप ठप्पे नहीं लगाओ तो हम गद्दार हो जाते हैं, मुल्क दुश्मन हो जाते हैं। हम आपसे कहते हैं कि चीनी की महंगी नहीं करो, हम गद्दार हो जाते हैं, हम मुल्क दुश्मन। हम कहते हैं कि आटा महंगा ना करो, डॉलर महंगा ना करो तो हम गद्दार बन जाते हैं। हम आपसे कहते हैं कि ठीक डिलीवर करो, हम गद्दार बन जाते हैं। मुझे बताया जाए कि ये गद्दारी का चूर्ण कब खत्म होगा और पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। अच्छा। कि जो अभी आपका अपोजिशन है आपने गद्दारी से नथी किया है, माफ कीजिए, हम खुद मुहिब्बे वतन हैं, अपनी बेवतनी का सर्टिफिकेट किसी नहीं लेंगे। हमारे घर भी वो जानते हैं, हम बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान से नबात का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। अच्छा। लेकिन इसका ये माना नहीं है कि आप फजूल तकदीर जमहूरी बात करें तो आपको खिलाफ ये जरा एडवोकेट अताउल्ला खटक साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ है ना, मुफ्ती साहब जरा इनसे भी आपने जो बात कही है इससे इनकी रिस्पांस लेते हैं। खटक साहब, वैसे ऑपोजिशन के हवाले से इनका जो भी बयानिया है, देखिये ये हुकूमत के ऊपर तनकीद करते हैं और उसके बाद ये एक इलेक्शन के हवाले से इनके ग्रीवेंसेज हैं,
तो खटक साहब, आपकी हुकूमत के पास क्या स्ट्रैटेजी है बयानबाजी के अलावा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा? कुछ तो दिखाना होगा आपको, कोई तो ऐसी चीज होगी जो दो साल में आप लोगों ने की है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि हमने ये काम कर दिए, ये ऑपोजिशन सिर्फ ऐसे ही रोना रो रही है। देखिए, अगर अपोजिशन का मसला महंगाई हो, अगर अपोजिशन का मसला मईशत हो, अगर अपोजिशन का मसला इदारों को ठीक करना हो, तो हम वेलकम करते हैं और करेंगे। आए बैठे हमारे साथ, हम इनको पूरी तरह ब्रीफ भी करेंगे और इनके साथ काम करने को भी तैयार होंगे। लेकिन इशू है कि चोरी जो हुई है उन लोगों को ना पकड़ें, उनके केसेस खत्म करें। और जो मौलाना साहब का मसला है, देखिए, मौलाना साहब 1988 से लेकर 2018 तक हर हुकूमत का हिस्सा रहे। मौलाना साहब को न मईशत नजर आया, मौलाना साहब को इदारों की तबाही नजर ना आई, और मौलाना साहब को महंगाई और ये सारी चीजें नजर नहीं आई। मौलाना साहब को ये नजर नहीं आया कि क्या हुआ है बलूचिस्तान के साथ। अख्तर मेंगल साहब से लेकर जितने भी लोग इस जलसे में मौजूद हैं, क्या माजी में ये बलूचिस्तान में हुकूमत में नहीं रहे, ये फेडरल के साथ हुकूमत में नहीं रहे? तो अगर रहे हैं तो इन्होंने बलूचिस्तान के लिए क्या किया? आज अगर फर्ज करो, हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के लिए अमली तौर पर कुछ करना चाहिए और CPAC में हो भी रहा है, और खुदा ना खास्ता हमारी हुकूमत खत्म हो जाती है और फिर हम बलूचिस्तान करें, तो लोग अवाम कोई ऐसे तो नहीं है ना? अवाम को सब पता है कि इन्होंने तो सब दावे किए। मौलाना साहब का मसला ये है, मैं आज आपके इस प्लेटफॉर्म से कहता हूं कि मौलाना साहब इस हुकूमत से बाहर हैं, वो फारिग हैं, उससे हमने 22 नंबर बंगला खाली किया है। वो कहते हैं हम बगैर तनख्वाह के वो नारे लगा रहे हैं। मौलाना साहब, आप तो पूरे कश्मीर कमेटी में कितने साल से बैठे रहे और कितने फंड खाए और 44 लाख तक की लस्सी आपने पी ली, और आप कह रहे हैं कि हम बगैर तनख्वाह के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहे? आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क आपने किया है। असल में आपने हाउसिंग मिनिस्ट्री ली थी और उसमें आपको कहा गया था कि आप कुछ भी करें इस मिनिस्ट्री में, हम आपसे नहीं पूछेंगे। तो आप एक मिनिस्ट्री पर चुप रहे। आज भी मैं आपको कहता हूं नादिया, अगर एक मिनिस्ट्री हम इनको दें और ये कहें कि आपके इस मिनिस्ट्री के हमने आपसे कुछ नहीं पूछना है, आपने जो करना है करें, मौलाना साहब का मसला खत्म। 3 दिन के बाद मौलाना साहब के बयान चेंज हो जाएंगे और ये हुकूमत जो है बड़ी अच्छी हो जाएगी। आखिरी बात, आपने जो आखिरी बात, एक मिनट, आखिरी बात से पहले आपने कहा ना मौलाना साहब ने मिनिस्ट्री में पैसे खाए, फंड खाए, सब कुछ खाए, लेकिन मौलाना साहब के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी अभी तक इनिशिएट क्यों नहीं हुई है? देखिए, मौलाना साहब के खिलाफ भी हो जाएगी, अनकरीब हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा। एक एक का नंबर आ रहा है और इदारे इस पे काम कर रहे हैं, जाहिर है हमारे पास नहीं है, इदारों के पास है, तो हम उनको ये नहीं कह सकते। अच्छा, एक 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 आखिरी बात, इन्होंने कहा ना कि जबान की गलती है, तो आप तो जबान की गलती को ही पकड़ के लोगों को फतवे जारी करते हैं, आप दूसरों को भी इंसान समझे। आपको याद नहीं है कि असेंबली में खड़े होकर मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे कि ये नहीं हो सकता कि जत्ते आए और हुकूमत बदले और रात को मुजरे होते हैं, जलसे नहीं होते? तो ये सारी चीजें आवाम को पता है इनका कि ये करते क्या है और कहते कॉल ऑफ फेल में 100% इनका तजाद है। अच्छा अच्छा, अली गौहर साहब, ये मुस्तकिल हुकूमत ये कहती है कि अपनी अपनी करप्शन बचाने के लिए आप लोग सब जमा हुए हैं, लेकिन अभी तक खटक साहब ने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि 2 साल में जैसे एक स्ट्रैटेजी होती है हुकूमत की ना टू डील विद ऑपोजिशन, आपको वो स्ट्रैटेजी नजर आ रही है अली गौहर साहब? क्योंकि आपके जमाने में भी जाहिर है PTI ऑपोजिशन में थी और खूब धरनों में भी थी। देखें, गुजारिश ये है कि इस वक्त ये इस जोन में है कि ये हमारा तो बड़ा वादे मौकफ है, और मैंने पहले भी बताया है कि चूंकि ये अवाम का वोट लेकर नहीं आए और ये अपने आप को अवाम का जवाब दे भी नहीं समझते, लिहाजा इनको इस बात से गरज नहीं है कि सब्जियों के रेट किधर चले जाएं, चिकन का रेट किधर चला जाए, डॉलर की प्राइस कहीं पर चली जाए, दालें कितनी महंगी हो जाएं। लेकिन वजीर आजम काफी परेशान हैं इस महंगाई से। मेरी गुजारिश सुने, अद्वियात कितनी महंगी हो जाएं, उसके अलावा मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब हो, नैब जो है उसका काम सिर्फ अपोजिशन को विक्टिमाइज करना और विक्टिमाइजेशन हो, और हुकूमत करोड़ों रुपए के इनके दाएं बाएं बैठे हुए नहीं, इनके सेंटर में बैठे हुए लोग जो इनकी ATMs हैं वो अरबों रुपए हड़प कर गई, और इमरान खान साहब ने तो करोड़ों खाए लिए होंगे ना, उनसे फायदे करोड़ों के लिए होंगे, अब उसके रिटर्न में अरबों रुपए खिला रहे हैं। सर, इनकी स्ट्रेटजी क्या नजर आ रही है? मैं इस सारी बात में भी हकीकत है कि मैं
न्यायाधी साहब और उनके पार्टी का कसूर कम और उन लोगों का ज्यादा समझता हूँ जो इन कठपुतलियों को चला रहे हैं, जो इनको क्या है? कर रहे हैं दोबारा कहिए, चला रहे हैं जो इन कठपुतलियों को चला रहे हैं, मतलब एवरी जलसा जैसे जैसे जलसे बढ़ रहे हैं अब आप सब लोगों के जबान से भी वही बयान निकल रहे हैं जो आपकी लीडरशिप के हैं, यू आर डायरेक्टली अटैकिंग मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ना, वी आर अटैकिंग ओनली सम पर्सन जो कि इसमें इन्वॉल्व है, मतलब है कि वो ज्यादा नहीं है, वो चंद लोग हैं जो पूरे चलेंगी मुझे एक बात बताना था, ये हमें कहते हैं जहां पर हमारी मीटिंग में चार जनरल्स बैठे हुए थे जिन पर आपने गद्दारी का पर्चा किया, हमारी मीटिंग में मतलब रिटायर्ड जनरल्स जो हमारी पार्टी में, अगर हम स्टेब्लिशमेंट के अगर हम सारों के खिलाफ होते तो वो लोग हमारी उसमें क्यों, आपको पता है जो कोयटा की हमारी मेजबानी की है, समझ गए सर, वो रिटायर्ड जनरल कादर बलोच साहब ने की। ओके, मैंने ब्रेक ले लिया, मैं अपनी बात को, नहीं आपने अपनी बात कर ली, मुझे ब्रेक लेने दे क्योंकि इतना कुछ मौलाना साहब के अगेंस्ट कह दिया, मुफ्ती साहब हैज टू रिस्पॉन्ड टू इट कि ये बातें जो है अभी तक कॉन्क्रीट बात जो है जो अपोजिशन करना चाह रही है और बहुत सारी, न सिर्फ वो अगर कहती है कि सिविलियन सुप्रेमेसी में यकीन रखती है बल्कि साथ में ये भी कहती है कि मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे मामलात हैं आवाम के जो कि ख़राब किए हैं, कुछ गवर्नेंस नज़र नहीं आती, महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन इसका जवाब वो ये देते हैं कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौलाना फजलुर्रहमान साहब को इलेक्शन में हारने का जो दुख है वो आज तक है, अगर एक भी उनको वजारत मिल जाए तो वो इस ऑपोजिशन से अलग हो जाएंगे यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब से पूछते हैं कि क्या बात सिर्फ एक वजारत की ही है। वेलकम बैक मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, क्योंकि ये आखिरी सेगमेंट है, मैं नहीं चाहती कि जरा सा भी टाइम हम जाया करें, बताइए जो कुछ एडवोकेट अताउल्लाह खटक साहब ने ब्रेक से पहले कहा कि एक वजारत दे दी जाए मौलाना फजलुर्रहमान साहब को तो वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, आप सब लोग पीछे हट जाएंगे। मोहतरमा नाराज ना हो, मैं तो चंद जवाब इनके दूंगा और ये जवाब भी दे दूंगा। इन्होंने कहा कि मौलाना साहब 1988 से हुकूमत में हैं और अब बाहर हैं, ये थोड़ा सा रिकॉर्ड दुरुस्त करें, कौम के सामने झूठ बोलना मुनासिब नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब 1988 में जीत गए थे, 90 में हार गए थे, 93 में जीत गए थे, 97 में हार गए थे, तो ये हारना और जीतना ये हमारा लगा रहता है। इन्होंने कहा कि उन्होंने लस्सी खाई है या पी है, ये ऐसी ओवरफॉल बकते हैं, बच्चों की तरह बातें करते हैं, इनसे कहते हैं कि मौलाना साहब पर कोई केस तो बनाओ, ये कहते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद वो नैब वाले बना लेंगे, तो जरा सब्र करो ना, नैब पहले बना ले मौलाना गिरफ्तार करे फिर आप बोलो, जल्दी क्या है। अब इन्होंने हमें कहा था कि मैं वादे किए थे कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो आपने उसका भी हाल देख लिया, मकानात का भी देख लिया। NRO ये कहते हैं मैं नहीं दूंगा, इन्होंने दे दिया है, मेजर आसिम सलीम बाजवा को NRO मिल गया है, नदीम बाबर को मिल गया है, जफर मिर्जा को मिल गया है, खसरो बख्तियार को मिल गया है, जहांगीर तरीन को मिल गया है, आमिर क्यानी को मिल गया है, रजाक दाऊद को मिल गया है, गुलाम सरवर को मिल गया है, जुल्फी बखारी को मिल गया है। ये चोरी को खत्म करने के लिए नहीं आया है, इनके चोर हाजी साहब हैं और उनके चोर जो है वो चोर है। अब ये कहते हैं कि हमें एक वजारत दे दी जाए, एक वजारत दे दी जाए तो हम अपोजिशन को छोड़ देंगे, ये इनके खाम ख्याल ही है, ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, एक वजारत नहीं, अब तुम मौला इमरान खान मौला फजल रहमान के पाँव में भी बैठ जाए और पाँव चूमने लगे मिन्नत करे तो भी इनको नहीं छोड़ा जाएगा, ये कौम के गद्दार हैं, इनका चूर्ण खत्म हो गया है। नहीं तो फिर आप चाहते क्या हैं? जी आप चाहते क्या हैं कि बस ये हुकूमत चली जाए? हम ये चाहते हैं कि जो लोग ठप्पे लाने वाले हैं वो माजरत करें, इसको हटा दें, नए इलेक्शन करें, आवाम को मौका दें। अच्छा, नए इलेक्शन करें, अच्छा, आवाम को और मौका दें। जी नादिया मुझे मौका दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं ये कह रहा था, मौलाना साहब की बात आपने सुनी, मुफ्ती साहब की, देखिए बात ये है
कि मौलाना साहब जो है उनका माजी का रिकॉर्ड देख लें कि उन्होंने क्या किया। ये कह रहे हैं हाथ हारते और जीते रहे, मैं ये कह रहा हूं कि हर हुकूमत के साथ शामिल रहे, फिर जब अपोजिशन में दे, आपको याद होगा कि इन्होंने मुशर्रफ साहब को वर्दी में मुंतखब किया था, इनको याद होना चाहिए। अपोजिशन का काम होता है हुकूमत की तनकीद करना, मुखालफत करना और उनको राय रास्त पर लाना। इनके पास कोई जटा नहीं है कि इस हुकूमत के लिए हुकूमत पे तनकीद करे, इनके पास ना कोई अखलाकी जरूरत है। दूसरी बात, हुकूमत में थे 1990 में, आपने कहा हुकूमत में थे, मैंने कहा नहीं कह रहे, इतनी मैंने कहा मुख्तलिफ दौर में हुकूमत में रहे। चले ठीक है, ठीक है, आपने बात कर ली ना मुफ्ती साहब, मुझे बात करने दे। अच्छा दूसरी बात, उन्होंने कहा मुख्तलिफ दौर में, सही कर ली ना, तसी हो गई, तसी हो गई। अच्छा दूसरी बात, मेरे भाई ने कहा ना, ये जब बात करते हैं कि एनआरओ देने वाले, अगर एनआरओ की बात होती है तो वजीर आजम एनआरओ नहीं दे सकते, लेकिन जब केसेस की बात होती है तो कहते हैं कि पीएम साहब ने केसेस बनाए, तो एक मौकिफ होना चाहिए, या तो उनके पास इख्तियार है या नहीं है। एक इन्होंने कहा कि मेरे भाई ने कहा कि वोट जो है वो लोगों ने वोट नहीं दिए, तो ये आवाम के वोट से हम आए हैं, ये आवाम की तोहीन है कि ये बार बार कहते हैं। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि कभी किसी अपोजिशन ने इलेक्शन को नहीं माना, हत्ता के 2013 का इलेक्शन भी इन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन जो है वो आरोज इलेक्शन थे, आपको याद होगा जरदारी साहब ने कहा था। ओके ओके, क्योंकि वक्त कम है, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दे सो दैट आई कैन देन क्लोज विद अली गौर साहब। जी मुफ्ती साहब, मैं आरज कर रहा हूँ, इन्होंने आपके सामने झूठ बोला कि ये 1988 में हुकूमत में है। हम कह रहे हैं भाई नहीं है, हम 88 में जीत गए थे। मुफ्ती साहब 1988 से जो हुकूमतें बन रही हैं उसमें मुख्तलिफ दौर में हुकूमत में रहे हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफी दे दे। अरे देखो मुफ्ती साहब, भाई ये उसी तरह का हो गया ना जो अभी आपने शुरू में मिसाल दी ना बयान को। एक बात का जवाब दे कि 1988 में कहा था औरत की हुक्मरानी हराम है, फिर हलाल कैसी हो गई। एक बात का जवाब दे मुफ्ती साहब, खड़ी है ना, ये कह रहे 88 से मैं इस्तीफा दे दूंगा अपनी सियासत से, ये बता दे कि हम 88 से लेकर आज तक तमाम हुकूमतों में भाई हम कह रहे हम नहीं है, हम हार गए थे। भाई उन्होंने कह दिया ना कि मुख्तलिफ अदवार में ना मुफ्ती साहब का कजन था, आपको पता ही नहीं है किसी चीज का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहस कहीं और चली जाएगी। देखिए अली गौर साहब, मुझे बता दीजिए, देखिए हर हर जलसे में जिस हिसाब से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो आपका बयानिया है, क्या आपको लगता है उसमें हुकूमत गिर जाएगी? ये हम इस है अपना नादिया के हुकूमत गिरने या ना गिरने का टारगेट नहीं है। हुकूमत तो चंद चार वोटों के सहारे खड़ी हुई है, इसका इसका गिराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। असल चीज ये है कि जो ये हुकूमत, जो ये नकली गवर्नमेंट, जो मैंडेट चुरा कर आई है, जो इस गवर्नमेंट को बनाने वाले हैं, अब वो लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। एक तरफ पाकिस्तान के अवाम खड़े हैं, एक तरफ पाकिस्तान के अवाम के साथ वो पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान की सियासत में जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जो फातिमा जना से शुरू हुआ, जो आप देखें कि कितने साल तो डायरेक्ट मार्शल लॉ रहे, और आज जब मार्शल लॉ नहीं है तो ये भी एक बड़ा मार्श, सिविल मार्शल लॉ इस वक्त अमजीत फेज से गुजर। तो मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप लोगों ने खुलकर बहुत अपने बयान दे दिए हैं। कितना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने इस बयानिए को लेकर आगे चल सकती है, क्योंकि एडवोकेट अताउल्लाह खट्टक साहब कहते हैं कि जाहिर है अगर आप इदारों के खिलाफ बात करेंगे तो हुकूमत जरूर फिर हरकत में आती है। वो हरकत में आकर क्या कर सकती है, ये आने वाले जलसों में ही समझ में आएगा, लेकिन बहुत कुछ सोशल मीडिया पर भी लिखा जा रहा है। भारन, ये थे जो कल का क्वेटा का जलसा था, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें अपोजिशन को ये शिकायत है, और सब ये कहते हैं कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने से बेहतर ये है कि आप अपोजिशन से निमटने की कोई स्ट्रैटेजी मुरतब करें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।